Aarti, episode 4, and this is the last episode in which I'm exploring chai cafes around Andheri, and this has brought me to the last joint of this series, which is chai coffee right behind me. Ab chai coffee mein na main saalon se aa rahi hu, matlab main Mumbai mein abhi 8 saal se hu, tab se to ye yahan hai hi, I think uske bhi pehle se hoga. It's going to be very interesting aaj aapke liye jab main yahan ki, you know, yahan ka food and chai taste karungi, and we'll review it for you guys. So let's do it. Decided to do my Saturday brunch here at Chai Coffi, and क्योंकि मैं इस वक्त आई हूँ जब आई थिंक 12:30 बज रहा है, तो ज्यादा लोग यहाँ पर है नहीं. आज काफी खाली है ये कैफे, बट एनी अदर टाइम ऑफ द डे वेन यू कम हियर इवनिंग और लेटर इन द नाइट इज ऑलवेज बजिंग एंड फुल ऑफ पीपल. एंड आज मैं ज्यादा बात पहले नहीं करूंगी, वील जम्प स्ट्रेट इन टू द मेन्यू, क्योंकि आज बाद में मुझे आपसे काफी सारी बातें करनी है अबाउट ऑल द फोर टी प्लेसेज दैट आई कवर्ड एंड विच आई थिंक इज द बेस्ट. सो लेट्स बिगिन. ऑर्डर्ड अ चिकन सैंडविच. मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मैं बहुत रेयरली सैंडविचेस ऑर्डर करती हूँ. मेरा ट्रेडमार्क ऑर्डर एनीवेयर इज अ पास्ता. दिस इज द चिकन चार ग्रिल सैंडविच दैट हैज टमेटो एंड बेजिल एंड मोजरेला, एंड ये तीनों इंग्रेडिएंट्स सुन के आई वाज सोल्ड. सो लेट्स ट्राई द सैंडविच. Nice. It's really good, man. And I think tomato, basil or mozzarella ke saath you can never go wrong. What I'm missing though is I wish iske saath fries hote, matlab aur maza aa jata. सैंडविच इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर, और मैं कुल्हड़ वाली चाय इज ऑल्सो हियर. तो ये चाय कॉफी की कुल्हड़ वाली चाय जो मेरा यहाँ का ट्रेडमार्क ऑर्डर है. इट्स हॉट एंड इट्स सो नाइस. इट्स रियली नाइस टी. आई थिंक जो चारों आउटलेट्स में मैंने चाय पी है उसमें सबसे बेस्ट चाय इज चाय कॉफी, हैंड्स डाउन. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप बाहर जाकर चाय पीते हो कि चाय फ्रेश ही बनी होनी चाहिए, तभी वो पीने का मजा आता है. एंड स्पेशली यू नो इफ यू आर रनिंग अ चाय कैफे एंड इफ यू हैव कस्टमर्स लाइक मी हू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट टी, आई कैन मेक आउट लाइक दिस. अगर चाय थोड़ी भी पुरानी हो तो लाइक यू नो यू जस्ट कम टू नो विद द स्मेल, एंड फ्रेश टी का एक अलग ही फ्रेग्रेंस होता है. सो दैट्स वन अप फॉर चाय कॉफी बिकॉज दे ऑलवेज सर्व यू फ्रेश टी. तो चाय पीते पीते थोड़ी और बातें कर लूँ मैं आपके साथ अबाउट द फूड हियर. द फूड आई हैव ऑर्डर्ड भजियाज अलॉट हियर, क्योंकि आई कम हियर अलॉट इन द मॉनसून टू ईट चाय एंड भजिया. दे आर गुड. द मैगी इज ऑब्वियसली गुड, द गार्लिक ब्रेड इज गुड, द कीमा पाव इज गुड. पास्ताज भी यहाँ के अच्छे हैं, क्योंकि मेरा ट्रेडमार्क ऑर्डर अगेन वेन एवर आई गो एंड ईट आउटसाइड और मुझे कुछ सूझ नहीं हो रहा था, मैं सूझता नहीं है, मैं पास्ता ऑर्डर कर देती हूँ. सो दैट इज ऑल्सो गुड. द चिकन सैंडविच दैट वी एट टुडे वॉज रियली गुड. द चागरल चिकन सैंडविच, द चिकन जंगली सैंडविच इज ऑल्सो गुड. तो काफ़ी सारे खाने के ऑप्शन हैं, एंड चाय तो मतलब was like cherry on the cake today. Amazing tea guys, amazing tea. If you are as big a tea lover as I am, take my word for it and chai coffee aakar yahan ki kullad wali chai try karo. ये वो सुड़कियाँ मार मार के पीने वाली चाय है जो यू नो स्पेशली जिसका सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मानसून में और विंटर्स में. And done. So let's quickly rate this place. Chai coffee. Number one vibe. Vibe के लिए 10/10 boss. मतलब अगर आप देख सकते हो this place outside seating and all is right under a big people tree. So it's nice and breezy here in the evening. समंदर भी बहुत पास में, तो यहाँ का vibe हमेशा अच्छा होता है. Food. I have never been unhappy with the food that I've ordered here. It's always been my orders have always been successful. कोई भी कुछ major flop show कभी निकला नहीं आज तक. Chai definitely a place you have to come to have the chai here. And the last and the most important is the pricing. चिकन सैंडविच है 300 रुपए का,
मसाला चाय है 100 रुपए की और टैक्स वैक्स मिला के 450 रुपए का हमारा बिल आया है. सो स्लाइटली ऑन द अपर साइड कम्पेयर टू द अदर कैफेज दैट वी वेंट टू, बट आई वुड से इट्स एवरी रुपी वर्थ इट बिकॉज आई रियली लाइक द वाइब ऑफ दिस कैफे एंड द टेस्ट एंड एवरीथिंग वॉज टोटली लाइक आई थिंक इट वॉज पैसा वसूल मेरे हिसाब से. तो अब मुद्दे पर आया जाए और चारों कैफेज की बात की जाए जो मैंने यहाँ पर कवर किए हुए इस सीरीज में. स्टार्टेड फ्रॉम चायोज एंड आई वेंट टू चाय पे चर्चा देन फिल्ली एंड देन चाय कॉफी टुडे. सो आई थिंक द नंबर वन स्पॉट फॉर मी is Chai Coffi for sure. The number two is Chai Pe Charcha plainly and solely for the amazing food that I ate there and uske baad the other two places. Of course inme se koi bhi jagah buri nahi hai to hang out at or chill at or to work from, but this is plainly and solely my opinion of how I like these places. So with this it's a wrap to this series of covering the chai cafes around Mumbai. Aap logo ko ye series kaisi lagi, achhi lagi ya nahi, you want me to do more food series in the future bataiye mujhe comments mein, aa jaiye niche comment kar dijiye, video like kar dijiye and do not forget to tune in coming Monday for the Monday fashion video. On that note guys, I'm going to go and see you guys right here. You guys take care, bye bye.